नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज 29 नवंबर और दिन मंगलवार का, आज के दिन तक के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर और अंदर में क्या दृश्य है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप मुझे सुपर थैंक्स के द्वारा भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज टू के बाहर और भीतरी दृश्य तथा अन्य घाटों को। फिलहाल आप देख रहे हैं सामने गंगा नदी और नाव का लुत्फ़ उठाते श्रद्धालुगण पानी गंगा का, अब काफ़ी नमामि गंगे के प्रयास के फलस्वरूप अब गंगा जल थोड़ा साफ दिखाई देता है। सामने आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज टू का बाहरी दृश्य गंगा द्वार की तरफ का। तो चलिए दोस्तों हम वहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं घाट का नज़ारा। ये आप देखेंगे नीचे से, फिलहाल ये चौकियां देख रहे हैं। अब ये भी दिखाई देने लग गई है क्योंकि ये गंगा के घटते जल स्तर का असर है। ये चौकियां भी अब नदी में आपको दिखाई देने लगेंगी और ये नीचे से अब हम चलें या इसके ऊपर से आपको दृश्य आपको दिखाएं, घाट के ऊपर का दृश्य। तो ये आपको सामने इस प्रकार दिखाई देता है। हम जितने भी नाव आप देखेंगे, छोटी हो चाहे बड़ी, वहाँ पर लाइफ जैकेट ज़रूर रखा जा रहा है क्योंकि दुर्घटना कोई चीज़ जब घट जाती है तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो दिन पहले ही घाट के उस पार नदी में नौका डूब गई थी तमिल श्रद्धालुओं से भरी हुई, और जिसमें 40 तमिल श्रद्धालु सवार थे और सभी भाग्यशाली थे जो बच गए, अन्यथा काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये मैं आपको नीचे से ले चल के अन्य घाटों का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं रैंप भी आपको दिखाई दे रहा है, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और इस तरफ आप देखेंगे तो वही, जैसा कि मैंने बताया, नमामि गंगे की पहल पर सफाई का काफ़ी संदेश लोगों को भेजने के लिए यहाँ पर नमामि गंगे की तरफ से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, वॉल पोस्टर, और चिपकाया गया है, पेंटिंग किया गया है। अब इन का असर कुछ तो लोगों पर पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर नदी के यहाँ पर काफ़ी फूल माला और गंदगी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब ये कहाँ से बह के आया है अब उसको पता करना चाहिए। फ़िलहाल आप यहाँ सामने देख रहे हैं यहाँ भी काफ़ी गंदगी है जो बहकर आई है। सामने आप रैंप देख रहे हैं, अभी भी रैंप गंगा के जल स्तर में डूबा हुआ है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं घाट की तरफ और वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं ललिता घाट के पास रैंप के सामने काफ़ी फूल माला यहाँ बहकर घाट के किनारे लगी हुई है, और ये दृश्य नमामि गंगे के प्रयास को विफल बनाने को दर्शाता है। लेकिन कहीं कहीं अगर इसको भी साफ किया जाए तो पहल नमामि गंगे की फ़िलहाल काफ़ी अच्छी है और उसका रिज़ल्ट भी दिखाई दे रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये है ललिता घाट और कॉरिडोर के पास की सीढ़ियों के नीचे का दृश्य, जहाँ पर गंगा का जल स्तर सीढ़ियों से काफ़ी नीचे आने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर जो मिट्टी थी अब उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसकी सफाई अभी चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये आप देख रहे हैं ये ललिता घाट के पास का दृश्य।
या देखेंगे तो ये रेलिंग ऊपर से टूट के नीचे गिर गया है, जिसको कि अब यहाँ पर लगाया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं नीचे की तरफ का दृश्य। चलिए आगे की तरफ दिखाते हैं आपको। सामने आप देख रहे हैं रैंप, और इस तरफ जहाँ पर साफ हो चुका है प्लेटफॉर्म, और ये घाट की सीढ़ियाँ। इधर आप देखेंगे तो यहाँ एक भी श्रद्धालु आपको दिखाई नहीं देगा नहाते हुए, क्योंकि यहाँ पर अब मना कर दिया गया है, क्योंकि फिसलन ज़्यादा था और गहराई ज़्यादा थी। सुरक्षा गार्ड को तैनात कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सफाई अभी काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी गई है। मिट्टी पूरा हटा दिया गया है और बाकी बची हुई मिट्टी को भी अब यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है। और इसी के ऊपर आप देखेंगे तो ललिता घाट के ऊपर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर, नेपाली मंदिर, और ये पीपल का पेड़, इन देख रहे हैं आप सामने नेपाली मंदिर। और यहाँ देखेंगे तो इस तरफ घाट पर जो टाइल्स लगाया गया था बाढ़ के कारण, अब वो टाइल्स टूट गया है, जिससे कि बाद में अब रिपेयर किया जाएगा। और ये रैंप सामने आप देख रहे हैं, और ये आप देखेंगे तो ये कॉरिडोर की तरफ का दृश्य है। सामने देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बाहरी दृश्य, और ये आप देखेंगे इधर तो ललिता घाट के ऊपर स्थित छत, काफ़ी खूबसूरत दृश्य नज़र आता है। ये आप देख रहे हैं रैंप का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ काफ़ी फिसलन के कारण अब उसको वहाँ पर श्रद्धालुओं को जाना के लिए मना कर दिया गया है। और इसके लिए जहाँ पर गेट पर, यहीं पर सामने पर आप देखेंगे तो सुरक्षाकर्मी गार्ड को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये रैंप देख रहे हैं आप, और रैंप के आगे देखेंगे हाँ नीचे प्लेटफॉर्म बुरी तरीके से साफ करके मिट्टी हटा दिया जा रहा है। फिलहाल आप सामने देख रहे हैं, सभी आप दृश्य देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ललिता घाट की। चलिए दोस्तों ऊपर भी चलते हैं और किनारे किनारे आपको दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ललिता घाट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नीचे, जहाँ पर गंगा का जल स्तर कम होने के बाद इस प्लेटफॉर्म की सफाई कर दी गई है। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी साफ़ सफाई के बाद कूड़ा रखा हुआ है, क्योंकि कूड़ा डेली काफ़ी निकलता है, श्रद्धालुओं के छोड़े हुए फूल माला और कपड़े का, जिसे रोज़ यहाँ पर साफ़ सफाई किया जाता है। चलिए आगे की तरफ और चलते हैं। इधर देखेंगे तो यहाँ मिट्टी है, ये सब घाट की गंदगी। अभी फिलहाल गंगा के घटते जल स्तर के साथ साथ इस जगह की भी सफाई होगी, और आगे देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट की भी सफाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मणिकर्णिका घाट गंदा हो चुका था बाढ़ के बाद। फिलहाल आप सामने देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जहां वहां भी आपको ले चलते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये गंगा द्वार के सामने का दृश्य है। ये सामने आप देख रहे हैं गंगा द्वार, हाँ
ये देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी जमा था, अब पूरी तरीके से यहाँ की मिट्टी हटा दी गई है और इसके बाद अब यहाँ की सफाई की जाएगी। ये आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सबसे नीचे घाट की सीढ़ियों के नीचे का दृश्य है। ये आप देख रहे हैं गंगा द्वार, अंदर भी आपको ले चलेंगे परिसर के अंदर और वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये नीचे घाट की सीढ़ियों से आप ऊपर का दृश्य देख रहे हैं। देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट का दृश्य है जहाँ पर सफाई बड़े जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि बाढ़ का पानी काफ़ी दिनों से उतरा हुआ है और गंदगी बहुत ज़्यादा थी मणिकर्णिका घाट पर। फिलहाल आप मणिकर्णिका घाट का दृश्य आप देख रहे हैं और ये रैंप के पास से जो कॉरिडोर का रैंप है दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया था उसके अंदर भी अब सफाई की जा रही है। वहाँ काफ़ी महीनों से मिट्टी और गंदगी वहाँ पर जमा थी, अब वहाँ भी सफाई की जा रही है। तो चलिए दूसरे एंगल से दिखाते हैं दृश्य आपको। ये देख रहे हैं रैंप के अंदर भी सफाई चल रहा है और बाहर भी सफाई हो रही है, लेकिन आप कचरा देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ पर आपको गंदगी नज़र आएगी मणिकर्णिका घाट के सामने, लेकिन सफाई अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो देख पा रहे हैं आप ये सभी मणिकर्णिका घाट का दृश्य। ये देख रहे हैं दोस्तों ये रैंप के अंदर ये सफाई चल रहा है और ये आप देखेंगे रैंप। और इसके नीचे आप देखेंगे तो अंदर की तरफ जहाँ सफाई चल रही है लेकिन काफ़ी गंदगी यहाँ पर है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ सौदा भी बगल में किया जा रहा है और गंदगी आप देखिए, लेकिन सफाई मणिकर्णिका घाट पर भी काफ़ी तेज़ी से की जा रही है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों इसी दृश्य के साथ हम अंदर की तरफ चलते हैं कॉरिडोर के, जहाँ मैंने दिखाया कि किस प्रकार आपका मणिकर्णिका घाट पर सफाई चल रही है। ये सभी आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर जहाँ पर काफ़ी तेज़ी से सफाई काम चालू है। चलिए चलते हैं कॉरिडोर के अंदर। ये देख रहे हैं कॉरिडोर के सामने का दृश्य।
पर फिर मैं गंगा द्वार ऊपर की तरफ से नीचे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ललिता घाट की तरफ का दृश्य, जहाँ ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से अब साफ़ कर दिया गया है और यहाँ अब स्नानार्थियों का स्नान करना भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जैसा कि आपने कुछ वीडियो में मेरे देखा था, यहाँ पर काफ़ी स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर कपड़े छोड़ दे रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अब देखेंगे तो घाट काफ़ी अब साफ दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं प्रवेश द्वार के अंदर। ये आप देख रहे हैं परिसर के अंदर का दृश्य, गंगा द्वार से अंदर, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ललिता घाट पर स्थित छत। चलिए दोस्तों चलते हैं रैंप के पास, जहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था परिसर के अंदर, और वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप ये देख रहे हैं भव्य गंगा द्वार। फिलहाल एक्सीलेटर के माध्यम से ऊपर की तरफ चलते हैं। चलिए इधर चलते हैं गणेश जी का जहाँ पर मंदिर है, और वहीं पर रैंप का काम चल रहा है, उसे दिखाते हैं कि वहाँ पर कितना काम बचा है। ये देख रहे हैं रैंप जाने का रास्ता। फिलहाल आप गणेश जी का मंदिर देख रहे हैं, सामने गणेश जी, और ये देखेंगे तो ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर, छोटा सा, पहले खुले में था लेकिन अभी इनको मंदिर का शेप देके छत बना दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो ये टाइल्स सब निकाल कर यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है इस रैंप में, और जहाँ पर ये रैंप बारिश के बाद काफ़ी सीपेज यहाँ पर समस्या हो गई थी, और जिसका अब निर्माण चल रहा है, टाइल्स यहाँ पर फिर से एक बार बिछाया जा रहा है। ये आप देखेंगे टाइल्स का काम ये रैंप में। चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको दिखाया रैंप का भाग, इधर आप देखेंगे तो काशी तमिल संगमन, या आप यहाँ पर भी लोग अब सेल्फी खिंचाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का क्रेज लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। फिलहाल दोस्तों हम आ गए हैं गेट नंबर 1 की तरफ, और यहाँ का आप दृश्य आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। मैं आपको थोड़ा मोबाइल पास करके काशी विश्वनाथ जी के स्वर्ण शिखर का यहीं से दर्शन कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं आगे की तरफ, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।